खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है। दिल्ली में 5 स्टार होटल हयात के बाहर पूर्व बसपा सांसद का बेटा गुलाबी रंग की पैंट पहन तमंचा लहराता हुआ दिख रहा है और वहां मौजूद कपल को धमका रहा है। बंदूक लहराने वाले शख्स आशीष पांडे है, वह बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा है और आशीष खुद भी अकबरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। आशीष पांडे लखनऊ का रहने वाला है और गोमती नगर का हजरतगंज में इसके और परिवार के मकान है। आशीष लखनऊ में शराब और रियल एस्टेट का कारोबार करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में शख्स होटल के गेट के बाहर ही एक अन्य कपल को धमका रहा है। वहीं वायरल वीडियो में बंदूकधारी शख्स ने एक साथ लड़की भी है जो वहां मौजूद कपल को लगातार गालियां दे रही है। होटल मैनेजर के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार ये वीडियो 13 अक्टूबर की रात का है। आशीष पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां एक खुद विधानसभा चुनाव लड़ चुका है ये आशीष और इसने एक लड़की पर बंदूक तानी हुई है और आर्म्स एक्ट के तहत आशीष पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दें ये वीडियो 13 अक्टूबर की रात को वायरल हुआ है और आशीष पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी जितेंद्र, क्या है पूरा मामला? जी हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर से बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा आशीष पांडे ने दिल्ली के 5 स्टार होटल हयात होटल के बाहर पिस्टल निकालकर एक लड़की को धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि लेडीज टॉयलेट के अंदर आशीष घुस गया था, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद सामने आया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आशीष को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने 4 टीमें बना दी है, जो की 2 टीमें आशीष को ढूंढने के लिए लखनऊ भेज दी गई है और 2 टीमें दिल्ली में रेड कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आशीष दिल्ली में भी छुपा हो सकता है। अब दिल्ली पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आशीष की तलाश में जुट गई है, लेकिन ऐसी घटनाओं से साफ हो जाता है कि रसूखदार होने की वजह से आरोपियों को दिल्ली पुलिस का जरा भी डर नहीं रहता। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे को आशीष पांडे को दिल्ली पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जी जितेंद्र, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वहीं इस वक्त आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं जहां आशीष ने एक लड़की पर बंदूक तानी है, वहीं आशीष पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं दिल्ली से टीमें भी भेज दी गई हैं आशीष पर कार्रवाई करने के लिए। वहीं पूर्व सांसद राकेश का बेटा है ये आशीष। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां पूर्व राकेश के बेटे आशीष ने गन तानी हुई है, वहीं दिल्ली पुलिस ने आशीष पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और आर्म्स एक्ट के तहत आशीष पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।